नमस्कार, इंकलाब टीवी चैनल में आपका स्वागत है। पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में जब्त की शराब, मौके से कारोबारी फरार। आइए डालते एक नजर इस पूरे मामले की जानकारी पर विस्तार में। समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना पुलिस ने थाना से करीब 4 किलोमीटर दूर शोभेपुरा गांव के पास से मंगलवार की देर रात ट्रक पर लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को देखते ही शराब कारोबारी व चालक अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। बरामद विदेशी शराब करीब 720 कार्टून कुल 6399 लीटर है। ऑफिसर चॉइस ब्लू ब्रांड के 750 ml के 2376 बोतल, 375 ml के 7152 बोतल व 180 ml के 10752 बोतल सहित ट्रक नंबर RJ14GH1029 को बरामद किया गया। SDPO सहियार अख्तर ने बताया कि दूसरे प्रदेश की तरफ से ट्रक से शराब आने की सूचना पर वरीय अधिकारियों को सूचित करते हुए थानाध्यक्ष चंद्रकांत गौरी, अजीत द्विवेदी, जीतू प्रसाद यादव, विजय सिंह के साथ अन्य पुलिस अधिकारी को लेकर कार्रवाई शुरू की। पुलिस को देख अंधेरे का फायदा उठाते हुए शराब कारोबारी व चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गए। जांच के क्रम में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने ट्रक की जांच की तो ट्रक के बॉडी के अंदर लोहे का बॉक्स बनाकर शराब छिपा रखा था। वही ऊपर में कंक्रीट का पिलर रखा था। बॉक्स ऐसा बनाया गया था कि देखने से पता नहीं चल रहा था, लेकिन बॉक्स को शराब को ढोने के लिए बनाया गया था। SDPO ने बताया कि बरामद शराब जब्त ट्रक पर लदे शराब से जुड़ा है। मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस धंधे में शामिल दो लोगों को धंधेबाज को चिन्हित किया गया, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आइए देखते हैं समस्तीपुर से अरविंद कुमार की ये पूरी रिपोर्ट। जी सर, ये कहां से शराब इतनी बड़ी खेप पकड़ाई और क्या मामला? मुख्यालय स्तर से और पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के स्तर से भी हम लोग को बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि आने वाली होली में शराब बड़े पैमाने पे शराब की खेप आ रही है, आने वाली है, या इस त्यौहार में मतलब बड़े पैमाने पे शराब वगैरह का सेवन होता है, तो वरीय पदाधिकारियों के निर्देशानुसार हम लोग लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज वो रात कह लें, मतलब 12 बजे के बाद 24 तारीख हो जाता है, तो आज जो है रात्रि में 12:30-1 बजे के बाद हम लोग को सूचना मिली कि एक शराब आने वाला है, जिसके आधार पे वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को और थानाध्यक्ष ने चारों तरफ घेराबंदी की, तो फिर उन्हें सूचना मिली कि एक ट्रक जो है हसनपुर मेदो चौक बड़गांव पुल के समानांतर 0.5 किलोमीटर जाएंगे उत्तर में, तो एक सभापुरा पुल है वहाँ से लगभग 100-150 मीटर पूर्व साइड में वो चौर टाइप का है, वहाँ पे एक ट्रक लगी हुई थी। तो पहले प्राइमा फेसी देखने पे तो कुछ पता नहीं चल पा रहा था, हटाया उठाया गया तो वहाँ पे ईंट वगैरह बड़े बड़े ब्रिक्स थे, फिर कुछ संदेह उत्पन्न हुआ तो उस ट्रक को बहुत तरीके से निगरानी की गई, छानबीन की गई, तो उसको कहीं से एक खुला हुआ मला कि यहाँ से खोल सकते हैं, देखा गया तो उसके अंदर भारी मात्रा में शराब रखी गई थी, तो उसको वहाँ पे फिर जब्त किया गया। इसमें थानाध्यक्ष हसनपुर और पुवानी हैं, अजीत कुमार हैं, विजय कुमार हैं, फिर जीतू कुमार हैं, इन लोगों ने छापेमारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक बहुत बड़ी खेप को इन लोगों ने पकड़ा है, इनके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जो इसमें किसी कारोबारी का नाम? हाँ, इसमें जो है वहाँ पे जब छापेमारी के क्रम में दो लोगों को चिन्हित किया गया, जो पहचान की गई, दो अपराधियों की जो बड़े शराब कारोबारी रहे हैं,
पूर्व से भी उनके ऊपर केस वगैरह है और करीब 4-5 और लोग थे जो भागने में कामयाब हो गए। इंकलाब टीवी चैनल यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।